वाले ढक्कन लगा ली। क्या क्या करना पड़ता है बाबा, रिकॉर्ड बटन नहीं दाब लिया। ठीक आहे, मी कोपऱ्यात बसून मी छोट्या छोट्या वस्तू असेल तर कुठेतरी बसतोय ना तर आज मेरी बहुत फटी पड़ी है क्योंकि एक छोटे से 90 सेकंड्स के लिए हम किस लेवल तक जा सकते हैं और मेरा ड्रीम रील था ये बनाना, तो आपको गेस करना आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं, लेकिन चल रहा है सब कुछ बनाना। जो ये सब कुछ आपको दिख रहा है, दिस इज आर सीन जहाँ पे हम रिक्रिएट करेंगे वीडियो। आई थिंक ये ब्लॉग हम तभी डालेंगे जब इसका रील पड़ चुका होगा, ऑलरेडी गिर चुका होगा, तो आज ही एडिट होगा, आज ही एडिट होगा, रात को ही एडिट होगा। तो ऐसी सुपर फास्ट टीम लेके हम पहुंचे, एक्चुअली इतना खर्चा क्यों करता हूं मैं, तो ऐसी चीज है गाइस कि देखो मैं थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट हूं, मतलब मुझे ऐसा चाहिए कि अगर मैं कर रहा हूं तो बहुत ही डीप लेवल पे जाके बहुत ही अच्छा सा वीडियो निकालूं, इसलिए टीम ताकि मतलब व्यूज आए वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं मेरे पोतों पोतियों को भी दिखा सकूं कि भाई ऐसा एक गोल्डन रील बनाया था तुम्हारे दादाजी ने, तो इसके लिए चल रहा है, देखते हैं, लेट्स होप कि बहुत अच्छा होगा वीडियो। ये काटून टाकू अपन फ्रेम मधून, ना बिका है आधा, ना बिका है कांदा आधा, आधा आधा। आई वाज सेइंग द पूछे क्यों तोड़ा, फर्स्ट शॉट 520 देखिए भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, गाड़ी है, बॉडी है, साड़ी है, कट एक्शन। देखिए भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, गाड़ी है, बॉडी है, साड़ी है, कट। देखिए भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, गाड़ी है, बॉडी है, साड़ी है। वन मोर टाइम, अजून क्लियर बोल ना। वाई बाय थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप है थे, लेकिन पंडित जी आपके बिजनेस के बारे में खुलकर बता नहीं सके। आपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया। एक्शन। क्या बताता? 3 एक्शन सर। और वो जो दूसरा केस आप पे चल रहा था ना सर वही ना जिसको अपने लेग से करवा के उसके टांगे तोड़वा दी, वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है और वो पुलिस केस भी नहीं करना चाहता। अरे बच्चा याद तो एक्शन सर 70-40 के तो पैसे दे दिए। और सर आज थोड़ा देगा एक्साइटमेंट अजून देने वाला है सर। हाथ खाली गए कितने? पहले बसा एक्शन सर 7 डेज के तो पैसे दे दिए उसने अभी सर, बाकी 37 डेज चैलेंज के पैसे वो कल कोर्ट में देने वाला है सर। एक्शन वो जो मर्डर केस ना, मर्डर केस, ओह शिट, मर्डर वाइट गोस्ट है, मर्डर खाएंगे नहीं कबीर जा पूछ क्या। एक्शन अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या, कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं आता। कंट्रोल पाडून झाल्यानंतरचे कपडे बघताय चट्टू कपडे ठेवूयात आणि मग व्हिडिओ एंड करूयात, कपड्यामध्ये हवा भरते। एक्शन ये कौन थे सर जो चले गए, जा पूछ क्या।
एक्शन हीरो कौन थे सर जो चले गए जा पूछ क्या 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 करना पड़ता है बाबा जा पूछ क्या मैं क्यों जाऊँ आप जाओ अरे मैंने ढक्कन लगा ली चल पूछ दो दो चल दोनों पूछ क्या थे फिंगर्स क्रॉस्ड मुझे पता नहीं कैसा हुआ है शॉट लेकिन बैकअप बैकअप Good job, guys. Good job. So, हो गया है दो रील्स रेडी मुझे लगता है कि यूट्यूब पे कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा आपके लिए क्योंकि बहुत सारे व्लॉग्स गिर गए तो हमने कुछ प्लान्स किए हैं और लेट्स सी कि वो वर्क होंगे तो आपके लिए एक बहुत एंटरटेनिंग कंटेंट रहेगा ऑल्सो थोड़ा सा फिटनेस रिलेटेड भी रहेगा बिकॉज फिटनेस टॉक्स अ फ्रेंड आई नो ये मुझे ही बोलना चाहिए था आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होंगे BTS देख देख के इसलिए नए व्लॉग्स के साथ साथ नया कंटेंट भी आ रहा है बहुत जल्दी आ रहा है तो प्लीज़ बने रहिए सतर्क रहिए सावधानी बरतिए और पेशाब करते रहिए थैंक यू सो मच सब्सक्राइब टू द चैनल देखिए भगवान का दिया हुआ सब कुछ है दौलत है शोहरत है इज्जत है देखिए भगवान का दिया हुआ सब कुछ है गाड़ी है बॉडी है ताड़ी है लेकिन पंडित जी कुछ खुलकर हमें आपके बिजनेस के बारे में नहीं बता सके लेकिन पंडित जी आपके बिजनेस के बारे में खुलकर बता नहीं सके आपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया आपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया क्या बताता क्या बताता संजना एयरवेज संजना हेल्थ क्लब संजना टेक्सटाइल संजना प्रोटीन बार काफी फैला हुआ बिजनेस है काफी फैला हुआ बिजनेस है वो जो धनसुख ज्वेलर्स का मर्डर केस आप पर चल रहा था ना सर जो धनसुख ज्वेलर्स के बेटे का मर्डर केस आप पे चल रहा था ना सर वो आप उसके पूरे खानदान को उड़ा डालेंगे पूरे खानदान को मरते दम तक लेग्स से करवाओगे धनसुख के पैसे कल कोर्ट में देने वाला है सर ये लोग कौन थे सर जो चले गए ये लोग कौन थे सर जो चले गए जा पूछ क्या जा पूछ क्या मैं तो एक्साइटमेंट में आ तुम एक्साइटमेंट में आकर कर अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या कहाँ बैठा हूँ किससे बात कर रहा हूँ क्या बात कर रहा हूँ समझ में नहीं कंट्रोल कहाँ बैठा हूँ किससे बात कर रहा हूँ क्या बात कर रहा हूँ समझ में नहीं आता कंट्रोल कंट्रोल होता है